खबर पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम भूरा खेड़ा की है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर दो लोगों ने एक शख्स के साथ जाति सूचक गाली गलौज कर मारपीट कर दी, जिसकी शिकायत फरियादी ने थाना पहुंचकर की है, जहां पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर से मारपीट सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। घटनाक्रम की जानकारी के अनुसार फरियादी दीवान पुत्र चरणू उम्र 38 निवासी भूरा खेड़ा ने थाना पहुंचकर बताया कि अपने खेत से घर आया हुआ था, जहां घर के सामने दो लोग खड़े हुए थे जो पुरानी रंजिश को लेकर जाति सूचक गाली गलौज कर रहे थे। जब गाली गलौज करने की मना किया तो दोनों लोगों ने मिलकर उसके साथ मारपीट कर दी। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धारा 323, 294, 506, 34 सहित SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा बताया था कि मैं अपने घर पर ही था, जैसे ही बाहर में आया था तो मुझको राकेश और जितेंद्र झा मिले, जिन्होंने मुझसे बोले कि तुमने पुरानी हमारी लड़ाई जो हुई थी, पुरानी रंजिश जो चल रही है, उसकी वीडियो आपने क्यों उस पर डाल दी। तो मैंने कहा कि मैंने नहीं डाली है। इसी बात को लेकर उन्होंने जाति सूचक शब्दों को लेकर गाली गलौज की, मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी, जिसकी फरियादी दीपक की रिपोर्ट पर से आरोपी राकेश और जितेंद्र झा के विरुद्ध अपराध कायम किया गया, आरोपी भी भरा। भूरा खेड़ा में क्या कुछ पूरा मामला? आज दीवान सिंह पुत्र चरण जाटव निवासी भूरा खेड़ा का आया था। उसने बताया था कि आज मैं सुबह अपने खेत से मोटरसाइकिल लेकर कट्टे लेकर आ रहा था सरसों के, तो मुझको गिरवर यादव और संदीप यादव मिले, जिन्होंने मुझे गाली गलौज की, मारपीट की मेरी एवं जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया, जिसकी रिपोर्ट पर से अपराध कायम किया गया। 323, 204, 506 भी अर्जन एक्ट की कायमी की गई है।